बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों की खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज हम बात करेंगे कि म्यांमार में फ़ौज ने इक्तदार पर कब्ज़ा करके एक साल की इमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान करते हुए आंग सांग सूची समेत दीगर रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया है। गैर मुल्की खबरसा एजेंसी के मुताबिक म्यांमार में पीर की सुबह 3 बजे से इंटरनेट और मवासलाती रबतों में खलल पैदा होना शुरू हो गया था। यांगोन शहर में फौज ने सिटी हॉल का कंट्रोल भी संभाल लिया है और सिटी हॉल में कई फौजी ट्रक भी देखे गए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फौज के ज़ेर इंतज़ाम टेलीविज़न पर जारी वीडियो पैगाम में सीनियर जनरल का कहना था कि इख्तियारात मुसल्लह फौज के कमांडर इन चीफ के सपोर्ट कर दिए गए हैं, जबकि मुल्क में एक साल के लिए एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। आंग सान सूची की पार्टी के तर्जुमान ने ये दावा किया है कि सदर समेत हुक्मरान जमात के अहम रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। पार्टी तर्जुमान ने कहा है कि जिस सूरत हाल का सामना है, ऐसा लग रहा है कि फौजी बगावत और इक्तदार पर कब्जा हो रहा है। म्यांमार में मतनाज़ इंतखाबी नतायज के बाद फौज और सिविल हकूमत में सख्त कशीदगी थी। दूसरी जानब अमरीका और ऑस्ट्रेलिया ने मुंतखब रहनुमाओं की फौरी रिहाई का मुतालबा भी किया है। अमरीका ने म्यांमार को मुमकिन रद्द अमल से खबरदार भी किया है। तर्जुमान वाइट हाउस ने कहा है कि अगर उठाए गए इकदाम वापस ना लिए गए तो अमरीका जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन लेगा। वाजह रहे कि म्यांमार में सरकारी सरपरस्ती में बर्मा के मुसलमानों पर शदीद मजालिम ढाए गए हैं और आंग सान सूची मुसलमानों पर होने वाले मजालिम के जिम्मेदार ठहराया जा चुका है, जबकि बर्मी मुसलमानों पर मजालिम के बाद सूची से कई अवार्ड भी वापस लिए गए हैं। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही था। जैसे जैसे कोई अपडेट आती जाएगी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। उम्मीद करता हूं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।